खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मुझे ये एक बाजा दिखाई दिया, इंस्ट्रूमेंट जिसको ग्रैंड पियानो बोलते हैं, और ये इनके पास ये ग्रैंड पियानो है। इसका साइज देखिए आप, इतना बड़ा ये साइज है। एंड ये जो है वो अपने चर्च में ये बजाते हैं। एंड ये एक ऐसा बाजा है जो बड़े अजीब ढंग से बजता। मैं अभी बजा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ, और जिनका ये बाजा है वो बड़े केयरफुली इसको रखते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये बाजा जो है वो जब बजाया जाता है तो ये जो आप कीज देख रहे हैं इसकी, इसको दबाया जाता है बहुत ज़ोर से। इसको बहुत अपने हाथों के प्रेशर से, उंगलियों के प्रेशर से दबाया जाता है, और इसके अंदर छड़ लगे हुए हैं, बार्स लगे हुए हैं, और वो बार्स जो है वो अंदर उसके तार लगे हुए हैं, और उसमें एक छोटा हैमर होता है, हथौड़ी जिसको कहते हैं, बहुत छोटी। तो जब ये आप दबाते हैं तो वो हथौड़ी उन तारों पर लगती है और उससे म्यूजिक निकलता है। सोचिए आप, मैंने एक वर्ड कहा हथौड़ी, हथौड़े से म्यूजिक निकल रही, संगीत निकल रहा है। कैसी खूबसूरत बात मित्रों, जिंदगी आप नहीं सोचते हैं कि कई बार हमारे ऊपर हथौड़े मारती, कभी कर्ज का हथौड़ा, कभी पीड़ा का, शारीरिक पीड़ा का, मानसिक पीड़ा का, फैमिली पीड़ा का, हथौड़े पर हथौड़े लगते हैं। लेकिन ये बाजा उस हथौड़े से शिकायत नहीं करता है, संगीत निकालता है। और मैं यही संदेश आज देना चाहता हूं कि खुदा के लोगों पर जब हथौड़ा पड़ता है, जब जिंदगी की मुसीबतें आती हैं, लिखा है पौलुस और सिलास, उन पर हथौड़ा पड़ा था मित्रों, उनके ऊपर कोड़े मारे गए थे, वो शिकायत नहीं, वो स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। और उसी स्तुति और प्रशंसा ने उनको एक ऐसी आजादी दी जो आज तक हम एंजॉय कर रहे हैं। जब इस बाजे को बजाया जाता है और इस पर उंगलियों का प्रेशर पड़ता है तो इससे संगीत धुन निकलती है, सा रे ग म प ध नी सा निकलता है, सातों स्वर निकलते हैं। काश कि हमारा भी स्वभाव, हमारा भी चरित्र, हमारा भी सुर ऐसे ही हो कि उससे संगीत निकले, शिकायत ना निकले। हमारे पास शिकायत करने का तो कोई आधार ही नहीं। वो जो चोर था, बायां वाला चोर शिकायत कर रहा था, अपने को बचाया, हमें भी बचाया, लेकिन दाहिने वाले चोर को समझ में आ गया ये शिकायत का नहीं, संगीत का समय है, मुझे भी याद करना जब तू अपनी बादशाहत में आए। मित्रों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, बहुत हथौड़े पड़ रहे हैं, यहां इस देश में भी हम पर हथौड़े पड़ रहे हैं, वहां पर भी पूरी दुनिया पर हथौड़ा पड़ा है इस वक्त। ऐसा भयानक महामारी ने कईयों के घर में मौत पसरा गई है, कईयों के घर में फाका हो गया है, नौकरियां चली गई, हथौड़े पर हथौड़ा पड़ रहा है। मगर यही समय है उस हथौड़े की आवाज को बजाय शिकायत करने के, उसको संगीत में बदल दीजिए, स्तुति और प्रशंसा में बदल दीजिए, और कहिए कि मैं हर समय का क्या मतलब, केवल जब अच्छा समय था तब नहीं, जब बुरा समय है तब भी मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे। आज लोग इसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने कहा, मेरे लिए तो मेरे खुदावन ने किया, जब मैं सकेती में पड़ा तो उसने झुक करके मुझे उबारा है। शिकायत नहीं होगी, संगीत होगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा, मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और बहुत जल्दी हम और भी खुल करके इन पर्सन प्रभु की आराधना कर सकेंगे। आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, मगर 6 फीट की दूरी बनाते हुए, मास्क लगा करके, हाथों को अच्छे से धो करके, और पूरा जो गाइडलाइन दिया गया उसका पूरा पालन करते हुए, जब तक दवाई नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है, हम इस बात का पालन करेंगे। और प्रभु ने चाहा तो बहुत जल्दी ये दूर होगी ये महामारी, और हम एक बार फिर से उसकी स्तुति और आराधना और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।